Done. Hello students, good morning everybody. Today we are continuing the previous chapter, that is chapter 3, for standard 5. English 2, subject and predicate part 2. Okay, subject and predicate. And how to start the subject and predicate, I will explain you. A sentence is given. When we call a sentence complete sense, when all the words are arranged in proper order and it gives a complete meaning. Okay, now a sentence has two parts. First part is subject, second part is predicate. Okay, this I have explained. Again I am repeating this. Now how to find out the subject? Look here. The sentence is given, my mother cooks delicious food. The sentence is given. Now we have to see kiske bare mein sentence hai. The sentence is about whom, about what? The sentence is about my mother. To jiske bare mein sentence hai, that is the subject. To yahan par subject kya hai? My mother. Abhi predicate kaise pata karna hai? सब्जेक्ट क्या करता है, दैट इज द प्रेडिकेट. माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड. कुक्स डिलीशियस फूड इज द प्रेडिकेट. और प्रेडिकेट में ऑलवेज एक वर्ब होता है. क्या होता है? वर्ब, एक्शन वर्ब. नाउ दिस इज अंडरस्टूड. तो यहां पर क्या करना है आपको पहचानना है, दिस इज माई मदर इज सब्जेक्ट, बाकी सब प्रेडिकेट. ओके, एंड कुक्स इज द वर्ब. एक वर्ब तो प्रेडिकेट में होगा ही. दूसरा, अभी इंपरेटिव सेंटेंस. इंपरेटिव यानी उसके इसमें रिक्वेस्ट आ सकता है, कमांड आ सकता है और ऑर्डर आ सकता है. ओके, उसमें प्रेडिकेट सॉरी सब्जेक्ट नहीं होगा, उसमें सब्जेक्ट होगा नहीं. एग्जाम्पल्स डोंट सी दिस. सिट डाउन एट योर प्लेस प्रेडिकेट भी है, राइट? तो सब्जेक्ट क्या होगा? क्या होगा? यस, यू. यू इज द सब्जेक्ट. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. यहां पर सा सब्जेक्ट क्या होगा? यू इज द सब्जेक्ट. ओके, ये हो गया. सब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं होगा, आपको समझ लेना है कि वहां पर सब्जेक्ट यू है. ओके, वी विल पास ऑन टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन वाला सेंटेंस. वेयर इज योर बैग? क्वेश्चन वाला सेंटेंस है. यहां पर सेंटेंस किसके बारे में है? अबाउट हू द सेंटेंस इज. द सेंटेंस इज अबाउट द बैग. तो बैग क्या है? सब्जेक्ट. ओके, बाकी सब क्या है? प्रेडिकेट. ओके, अंडरस्टूड ना? एंड इज द वर्ड. नाउ वैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी आगे पीछे हो सकता है सब्जेक्ट. ओके, अभी कोई कोई सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में भी सब्जेक्ट पीछे हो सकता है. आपको अपने मन में क्वेश्चन पूछना है कि सेंटेंस किसके बारे में है, तो आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट कौन सा. ओके, नाउ दिस मच इज डन. नाउ इन पेज नंबर 12 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, ग्रामर टेक्स्ट बुक, वी हैव डन द टू एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी. एक्सरसाइज ए में आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अंडरलाइन और वो पहचान के करना है. इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था और यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. बी में मैथ द कॉलम, सामने सामने आंसर लिख देना है. दिस ऑल्सो वी हैव डन. ओके, नाउ वी आर पासिंग ऑन टू पेज नंबर 13. ओके, सी एक्सरसाइज. Fill in the blanks by adding suitable subject. यहाँ पर predicate दिया गया है, subject नहीं है.
तो वी हैव टू राइट द सब्जेक्ट। मैंने आपके लिए यहाँ पर किया है, बट आपको और कोई आंसर आता है तो आप लिख सकते हैं, बट आई हैव डन दिस फॉर यू। नाउ सी, डैश वर्क्स इन एन ऑफिस। कौन ऑफिस में काम करता है? माई फादर, माई मदर, माई सिस्टर, माई ब्रदर, कुछ भी लिख सकते हो, तो सब्जेक्ट हो गया। ओके, सेकेंड, डैश हैज ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स। ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स किसको होता है? यहाँ पर फोटो दिया गया है। ओके, तो क्यों कौन है वो लिख सकते हो, द ज़ेब्रा। थर्ड, डैश शाइन इन द स्काई। स्काई में कौन शाइन करेगा? स्टार्स, यू कैन राइट इट। डैश आर इन स्कूल। स्कूल में कौन हो सकते हैं? द स्टूडेंट्स, द टीचर्स, एनीथिंग यू कैन राइट। ओके, डैश इज द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द अर्थ। कौन सा प्लैनेट अर्थ के एकदम पास में है, क्लोज है, तो कौन सा प्लैनेट है? मर्क्यूरी। डैश इज प्लेइंग विद इट्स टॉयज। टॉयज के साथ कौन खेलता है? यहाँ पर फोटो में देख सकते हो कौन है, द बेबी। बेबी खिलौने के साथ खेलती है। ना, डैश विल कम टुमारो। कौन आ सकता है कल? कौन आएगा? विल कम, कल आएगा। कौन आएगा? माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई फादर, एनीथिंग यू कैन राइट। ओके, नाउ डैश इज वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर मैंने माई सिस्टर लिखा है, यू कैन राइट योर फ्रेंड, माई फ्रेंड, माई ब्रदर, माई आंट, लाइक दैट। नाउ डैश स्टडी इन माई स्कूल। माई फ्रेंड स्टडी इन माई स्कूल। डैश हैज लार्ज ईयर्स। किसका कान बड़े बड़े होते हैं? एलिफेंट। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, द एलिफेंट हैज लार्ज ईयर्स। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना एंड राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, नाउ वी विल पास ऑन टू एक्सरसाइज बी। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रेडिकेट्स। सब्जेक्ट इज गिवन, यू हैव टू एड द प्रेडिकेट। My grandfather is very active. लिख सकते हो, आपको और कोई लिखना है तो भी लिख सकते हो। Now, Manish and Ravi are good friends. Third, the baby is laughing. The baby is crying. The baby is playing with toys. ऐसा भी आप लिख सकते हो। Now, fourth, some boys आर प्लेइंग क्रिकेट। सम बॉयज आर प्रैक्टिसिंग क्रिकेट। आपका आंसर डिफर हो सकता है। फिफ्थ, द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। द बुक इज इंटरेस्टिंग, द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, द बुक इज वेरी बोरिंग भी लिख सकते हो आप लोग। ओके, नाउ द बुक इज वेरी ईजी टू रीड, ऐसा भी लिख सकते हो। नाउ सिक्स, लता मंगेशकर, तो आपको पता है शी इज अ वेरी गुड सिंगर। लता मंगेशकर इज अ गुड सिंगर। सेवन, माय फेवरेट कार्टून इज। मैंने लिखा नहीं है, आपका जो फेवरेट कार्टून है उसका नाम आपको लिख देना है। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, आपको लिखना है। नाउ सेवन, माय फेवरेट हो गया। एट वन, वीना। वीना इज अ गुड गर्ल। वीना इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। वीना इज अ गुड डांसर, वो भी लिख सकते हो। नाउ नाइन्थ, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। ओके, तो आपको पता है। टेंथ, द कैप्टन ऑफ द टीम इज वेरी इंटेलिजेंट। वेरी एक्टिव भी लिख सकते हो, वेरी कोऑपरेटिव भी लिख सकते हो। ओके, सो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, राइट इट डाउन इन योर नोट बुक। ओके, सो दिस लेसन इज ओवर। ओके, और लेट्स रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर एक फोटो दिया है, सेंटेंस है, आई एम ए सेंटेंस बोल रहा है बच्चा, और यहाँ पर क्या है, आई हैव टू पार्ट्स। कौन सा टू पार्ट्स?
सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जिसके बारे में हम इस लेसन में पढ़े. ओके नाउ आई हैव गिवन यू सम एक्स्ट्रा एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. दिस यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. मैं आपको पूरा पढ़ के बता देती हूँ. आपको इसको घर पे होमवर्क जैसा करना है इन योर नोटबुक बाय योरसेल्फ. ये आप कर सकते हो. इट्स वेरी इजी. ओके सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एक्स्ट्रा सेंटेंसेस. एक्सरसाइज वन सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट. जो एक्सरसाइज दिया गया है उसमें सब्जेक्ट के ऊपर सर्कल करना है और प्रेडिकेट के नीचे अंडरलाइन करके आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिख देना है. आई विल रीड आउट. आई हैव चेज्ड इट्स टेल. आई हैव चेज्ड इट्स टेल. वो आपको करना है. आई हैव फायर. थर्ड जॉनी वोर अ हैट. ही लुक्ड हैप्पी. द स्टार इज ब्लू. ही इज होल्डिंग अ स्टार. जॉनी ओपन द अम्ब्रेला. कैसे पहचानोगे? पहले आपको क्वेश्चन करना है कि सेंटेंस किसके बारे में है. जिसके बारे में सेंटेंस है वो सब्जेक्ट होगा. बाकी सब क्या होगा? प्रेडिकेट हो सकता है. तो सब्जेक्ट के ऊपर सर्कल और प्रेडिकेट के नीचे अंडरलाइन. वैसे ये साथ सेवन सेंटेंसेस आई हैव गिवन दैट यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना. पास ऑन टू सेकेंड वन. कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. कोई कोई में सब्जेक्ट दिया होगा तो आपको उसका प्रेडिकेट लिखना है. कोई सेंटेंस में प्रेडिकेट दिया होगा तो उसका सब्जेक्ट लिखना है. आई विल रीड अप. द अम्ब्रेला डैश. यहां पर आपको प्रेडिकेट लिख के कंप्लीट करना है सेंटेंस को. सेकेंड द डैश लाइक्स टू ईट कुकीज एंड मिल्क. प्रेडिकेट दिया है सब्जेक्ट लिखना है. ओके थर्ड द रैबिट डैश. सब्जेक्ट दिया है प्रेडिकेट लिख के कंप्लीट करना है. यहां पर द कैट्स डैश. सब्जेक्ट दिया है प्रेडिकेट लिखना है. टॉम एंड हिज फ्रेंड. 1, 2, 3, 4 वर्ड्स दिया है सब्जेक्ट में और प्रेडिकेट से कंप्लीट करना है. सिक्स्थ द डैश इज अ टूल फॉर राइटिंग. संभाल के लिखना है इसको. किससे आप लिख सकते हो, लिखने के लिए क्या यूजफुल होता है वो यहां पर लिखना है आपको. दैट इज अ सब्जेक्ट. इंग्लैंड डैश. इंग्लैंड सब्जेक्ट है. प्रेडिकेट्स से आपको कंप्लीट करना है. एट वन माई फ्रेंड डैश. कुछ भी लिख के प्रेडिकेट से कंप्लीट करना है. माई लिटल सिस्टर. सब्जेक्ट दिया है प्रेडिकेट लिखना है. यहां पर टेंथ वन द लास्ट वन द डैश वॉज वेयरिंग अ ग्रीन शू. यहां पर ग्रीन है. ग्रीन शू. द डैश वॉज वेयरिंग अ ग्रीन शू. ओके तो आपको यहां पर सब्जेक्ट लिख के कंप्लीट कर देना. ओके सो वी हैव कंप्लीटेड द लेसन नंबर 3. इट इज ऑफ ओनली पार्ट 2. ओनली 2 पार्ट्स एंड वी हैव कंप्लीटेड द लेसन. And I hope you have better understood the lesson. Okay? Write all the exercises in your notebook. Okay? In English grammar notebook. Okay? And till then, take care of yourself. Thank you very much.